हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमयू एंट्रेंस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में, जो आपका मास्टर का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, मास्टर ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट MIRM, तो उसका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या होगा, उस सिलेबस को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपको वो सिलेबस जो है वो पता होना चाहिए, तभी आप उसकी प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटी सी वीडियो है और इसमें अगर हम ध्यान दें, मास्टर ऑफ इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट MIRM के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप नीचे आते हैं, यहाँ पर लिखा है टेस्ट पेपर डिटेल्स। तो ये टेस्ट पेपर जो डिटेल्स हैं इसमें चलते हैं। ये लिखा है देयर शैल बी वन ऑब्जेक्टिव पेपर ऑफ 100 मार्क्स कंप्राइजिंग 100 क्वेश्चन। तो यहाँ पर 100 मार्क्स के आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आपका पेपर होगा और यहाँ पर ये 100 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स, और इन 100 को उन्होंने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसके अंदर अगर मैं ए पार्ट दूँ तो ए पार्ट हमारा क्या है यहाँ पर, लैंग्वेज कंप्रहेंसन। ठीक है, तो ये हमारा है लैंग्वेज कंप्रहेंसन, तो इसमें इंग्लिश के कंप्रेंशन आएंगे और ये आपका 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। अगर हम इसका सेकंड पार्ट देखें तो ये है बेसिक मैथमेटिकल स्किल, इसके अंदर आएंगी बेसिक मैथ्स आएगा आपके, और ये भी आपका बेसिक मैथ जो है वो भी आपका कितने मार्क्स का है, ये भी आपका 20 मार्क्स का है। ठीक है, अगर हम थर्ड पार्ट को देखें, सी पार्ट इसका या थर्ड पार्ट, तो डेटा एनालिसिस एंड सफिशेंसी, तो इसमें DI बोल सकते हो उसको, डेटा सफिशेंसी एंड आप डेटा एनालिसिस एंड सफिशेंसी आएगा, और ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 20 मार्क्स का ये आपका होगा। तो ये 3 पार्ट अभी तक समझ में आ गए होंगे आपको। अगर हम 4th पार्ट की बात करें यहाँ पर, डी पार्ट, तो इसमें इंटेलिजेंस एंड क्रिटिकल रीजनिंग, आप बोल सकते हो कि इसको रीजनिंग कह सकते हो। ठीक है, लेकिन अब देखो, रीजनिंग में बहुत डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं। ये जो सिलेबस दिया है, अब इसको आप एग्जैक्टली कैसे आप पता करें कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं भी बताता हूँ। पहले मैं इसको कंप्लीट कर दूँ, आपका ई पोर्शन जो है वो इंडियन एंड ग्लोबल एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इंडियन मतलब आप बोल सकते हो करंट अफेयरनेस या करंट जनरल अवेयरनेस बोल सकते हो। ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट MCQs हैं, तो ऑब्वियसली है ना, ये भी आपका कितना 20 मार्क्स का होगा। कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का। तो टोटल 5 पार्ट्स में ये आपका है, और इसको इन्होंने एक 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, 20 20 20 20 मार्क्स। ठीक है, तो ये टोटल आपका हो जाएगा 100 मार्क्स का आपका पेपर हो गया। अब देखो, इसको आपको कैसे, क्योंकि ये एक आइडिया लग गया कि किस तरह का आपका यहाँ पर पैटर्न है। अब यहाँ पर ये 20 20 ये जो क्वेश्चन हैं ये सारे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एक काम करें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, वह है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो लास्ट टेन ईयर्स के आप जो हैं इसमें क्वेश्चन पेपर लगा लें, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो लेवल ऑफ द पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने से ही आपको पता चलेगा, या फिर जो AMU के आसपास कोचिंग्स हैं, जो एंट्रेंस एग्जाम की कोचिंग्स कराते हैं, अगर उनके यहाँ पर आपको मॉडल्स पेपर मिल पाए तो मॉडल्स पेपर और लगा लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आपको लगाना ही लगाना है, साथ में आपको मॉडल पेपर मिल जाए तो आप लगा लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखो, यहाँ जो लिखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट्स एडमिटेड टू MIRM शैल पे एडिशनल डेवलपमेंट चार्जेस 15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट। तो अगर आपने MIRM का लिया है तो आपको 15,000 जो फी है उसके अलावा देना है। देर शैल बी कंबाइंड टेस्ट फॉर MIRM और MHRM, दोनों के लिए एक ही पेपर होगा। जैसे वहाँ पर आपका MRM मतलब जो आपका MRM और MTTM का पेपर था, उसमें भी दोनों का कंबाइंड पेपर हुआ था, MBA MFA मास्टर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो आपका MIRM और MHRM दोनों का पेपर सेम होगा। यहाँ अगर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की अगर बात करें, तो ये क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ,
तभी आप दे सकते हो उस पेपर को, अदरवाइज आप नहीं दे सकते, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर सीट की बात करें तो यहाँ पर जो सीट्स हैं, यहाँ पर जो टोटल सीट्स हैं वो आपकी 30 होंगी, 30 इनटेक है यहाँ पर, तो आपको 30 सीट्स के लिए कंपटीशन करना है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।